हे गाइस, वेलकम बैक टू स्वीट चिलीज। मैं हूं रुधीर। कैसे हैं आप लोग? तो आज हम लोग देखने वाले हैं वह क्या सीन है डैंक इंडियन मीम्स पार्ट 26। वेट फॉर इट मीम्स चैनल मीम्स वीडियो है ये फ्रॉम द चैनल मीम्स 14। ओके, स्टार्ट करते हैं ये वीडियो। इसकी ओरिजिनल लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। चलो भाई, देखते हैं यार कौन कौन से सीन हैं इसमें। ओके, और डैंक मीम्स होने वाले हैं। लेट्स स्टार्ट द वीडियो। मम्मा, हम औरतें जो है ना देविका, हम इस कोला की बोतल की तरह होते हैं। अच्छा, इसके अंदर का जो तूफान है ना, ये हमारे अंदर भी होता है। और अगर ये ढक्कन खुल गया तो आफत आ सकती है। परसेप्शन की बात है मम्मा, जब आप कोला बोतल हिला रही थी तब मेरे दिमाग में कुछ और ही हिलने हिलाने के विजुअल्स आ रहे थे। हमारी बेटी पूरा कोर्स करके बैठी है। आंटी, आप उसे डिप्लोमा दे रहे हो? इन्होंने जितना पैसा दिया उससे ज्यादा काम करवाया। हड्डियां तुड़वा दी मेरी तो इतनी इन लोगों ने यार काम करवाया। सारे पैसे क्या उस इंटरेस्ट के साथ सब वसूल कर लिया इन्होंने। पाप लगेगा उसको, इतनी खूबसूरत लड़की को दक्षिण करवाया रात में। यार मेरे गोटों में लग गई, इसलिए कैंसिल करना पड़ रहा है, मैच नहीं हो रहा। समझ रहे हो? और चल, अब आई गई हूँ तो शॉपिंग करा दे मुझे। चल शॉपिंग? तुझे मेरी हालत नहीं दिख रही? तुझे पता कितना दर्द हो रहा है मुझे? नहीं जा सकते, प्लीज समझा कर, दर्द कर रहा है। अच्छा चल फिर, अब आई गई हूँ तो ओयो चल लेते हैं। ओयो? हाँ चल 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 ले। तो मिनट पहले खड़ा भी नहीं हो पा रहा था, अब इसका सब कुछ खड़ा हो गया। देखियो ठरकी। दर्द तो नहीं होगा ना? फर्स्ट टाइम है, थोड़ा तो पेनफुल होगा ही। दे आर टॉकिंग अबाउट वैक्सिंग। इतना भी पेनफुल नहीं है, एक बार कर ले। वन टू थ्री। मैं गंदा आदमी हूँ? तुम हो गंदे आदमी। क्या नाम है तुम्हारा? हसन। हसन, सच बताना बेटा, तुम्हें पता तो तुम शो में जा रहे हो, उसके बावजूद तुम ऐसे मतलब ऐसे ही आ गए बस उठ के, ना बाल बनाए ना कमीज तरी की, बस आ गए। शो आपका था ना? अपने शो में रोस्ट हो रहा। तुम्हें पता है आज मैं बहुत खुश हूँ। मस्त दिख रही हो। आज मैं तुम्हारे साथ सेक्स करने वाली हूँ। बड़ा डायरेक्टली बोल रही भाई। क्लाइमेक्स अभी बाकी। पापा जी, मुझे ना आपसे बात करनी थी। हाँ बोलना। वो मेरी गर्लफ्रेंड ना मुझे देना चाहती है, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि क्या करूँ। बेटा पहले पापा को दिलवा दे, अपनी गर्लफ्रेंड को लेकर के घर पे आ जाओ। ठीक है पापा, लेकिन पहले मैं करूँगा। अरे चुप चुप, ये दूसरा, तुम्हारी माँ को नहीं चुदा होता तो तुम पैदा नहीं हुए होते। बाप है, पाप है। थैंक्स रोहित का करूँगा, क्योंकि रोहित हमेशा हम लोग साथ में आते हैं। मम्मी। हाँ जी मम्मी, आपकी? ये मेरे मेरा भाई है। क्रॉस ड्रेसिंग भाई, मतलब पुराने लोगों के लिए थोड़ा सा। नहीं नहीं, इन दोनों को कोई पसंद नहीं है। अच्छा, फिर आपकी लाइफ पार्टनर आपको अच्छी लगती होगी? लाइफ पार्टनर भी नहीं। अबे साले, क्यों? मैं बस एक ही पसंद है। कौन? वो है मियां खलीफा। बेटा तुम्हारी औकात से बहुत बाहर है वो। नहीं छुपाना चाहिए था। I'm sorry, सच में sorry, गलती हो गई। अब बताइए हम क्या करें? अभी काम कीजिए मैडम, सेक्स कर लीजिए हमारे साथ, आपके सारे डर निकल जाए। ओले बाबा। One hour later, है ना? हाँ बोलिए। हाँ वो आप जो कह रहे थे वो कब करना है? हाय हाय। ओ हाय साहब, विजय शर्मा खुद तो ऐसी हो। छोटे से थे तुम और बुआ तुम्हारी निकली नहा के, उनकी पेटीकोट सरक थी, जल्दी से उन्होंने बांधी बूंदी पर तुम पूरे आंगन में फैल गए। हम कहे फैल गया?
नहीं पहले दिखाओ वरना मैं खाना नहीं खाऊंगा। तो हमने कहा दिखा देना है, तेरे कौन सा सोना लगा है। भतीजा है वो, छोटा बच्चा था, अम्मा भी पूरी मतलब सेक्सी हो रही, इतनी अच्छी लग रही है। थैंक यू, मैं बेंटले की बात कर रहा हूँ, पीछे देख खड़ी है। हाँ तो शादी करा ले, 40 के बाद सेल खत्म हो जाती। क्या करूँ मैं, सेल खत्म हो जाते। हमारा क्या है ना, सेल वाला सिस्टम नहीं, जनरेटर पे है। क्या हो गया, इतना उदास क्यों खड़ा है? बताओ। कुछ नहीं यार, कल अपनी क्रश से बात कर रहा था। अच्छा। मैंने उसको बोला तुम चांद की तरह गोल हो। ठीक है, समझ गया। इसमें उदास होने वाली कौन सी बात है? ऑटोकरेक्ट में सी की जगह जी हो गया। स्वागत के लिए पहले से ही मौजूद था। कोई से हमारा मतलब एलियन से नहीं है। चंद्रयान 3 जब चंद्रमा के लोअर ऑर्बिट में पहुंचा तो वहां चंद्रयान 2 का ऑर्बिटर मौजूद था। दोनों के बीच में संपर्क हुआ। चंद्रयान 2 ने चंद्रयान 3 का स्वागत भी किया। चंद्रयान 2 ने चंद्रयान 3 से कहा, बिल्लो बग्गे बिल्ले यहां दा की करेंगी, बग्गे बग्गे बिल्ले यहां दा की करेंगी। अल्फाबेट्स, इंग्लिश अल्फाबेट्स का पता है कितने उसमें लेटर्स होते हैं अल्फाबेट्स में? 27 नहीं, 21। आप गिने। A B C D E F. A few hours later. F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z. 21. ये लिखे भी गलत बता रही। पढ़ाई लिखाई में ध्यान लगाओ, IAS बनो और देश को संभालो। तो 100 नंबर पर फोन करा तुमने कि मुझे गुडनोर जाना? जी सर, मैंने 100 नंबर पर फोन करा। तो 100 नंबर की गाड़ी लेके जाएगी तुझे? सर 100 नंबर पर फोन करा था और 100 नंबर की गाड़ी नहीं लेके जाएगी। मरना है क्या भोसड़ी के साल, पुलिस वाले लेके जाएंगे वो। भारतीय नशा वशा करते हो कुछ, बस सेवा है क्या? अलग अलग होते हैं क्या? तो इससे थोड़ी चीज लेके जाएंगे तुम्हें गुन्नौर? तुम इससे जा नहीं सकते क्या गुन्नौर? जी ये अमरोहा जिले की है ना, वहाँ की उधारी की गाड़ी। ये कोई से भी जिले की हो, है तो सरकारी। भाई बहुत पिटेगा सच्ची में। क्या समस्या है आपकी? समस्या हमारी ये है कि हेलमेट हम घर में भूल गए सर। हाँ। तो चलान आप कर रहे हैं। हाँ। एक चक्कर का 250 रुपए। ठीक है जी। हाँ। तो हम बोल रहे हैं कि महीना भर का कितना होगा? एक के बार में निपटा दें। एक के बार में निपटाना चाह रहे हैं। हेलमेट नहीं लगाएंगे भले टकला फूट जाए, लेकिन चलान भर देंगे। तुम लोग गलती से अगर नए हो तो सब्सक्राइब करो। हद हो गई। वो ये नहीं सोच रहा कि हाँ भैया अगर हेलमेट बिना हमारा सर फूट गया, हमारा एक्सीडेंट हो गया, कुछ हो गया, ठीक है अपनी सेफ्टी का नहीं सोच रहा है, लेकिन ये जरूर सोच रहा है कि हाँ हर बार आने जाने का हम क्या 250-250 रुपए चलान भरेंगे, है ना। मैं चलान की ज्यादा चिंता है ना, अपनी चिंता नहीं है। वैसे अपनी चिंता होती तो भाई साहब गुटखा थोड़ी ना खा रहे होते, चबा रहे होते, है ना। दांत भंगार किए हुए हैं, हेल्थ भी भंगार किए हुए हैं, तो सर्वर फूट जाए, है ना, हाथ पैर टूट जाए या मतलब ब्रेन क्रैक हो जाए, उससे क्या फर्क पड़ता है? चलान चाहे जितना होगा हम भर देंगे, क्या फर्क पड़ता है यार, सर ही तो फूटेगा बस। मतलब अगर फूट फाट गया और ज़्यादा इंजरी हो गई तो शायद कुछ लाख रुपए लग जाएंगे बस थोड़ा सही कराने में, है ना, इससे ज़्यादा क्या होगा। अरे हम थोड़ी ना लगा रहे हैं 150-200-500 रुपए का हेलमेट, हमें नहीं लगाना, हमारी शान के खिलाफ है ना पूतिया साला। सो आई होप आप लोग को रिएक्शन पसंद आया होगा। अगर अच्छा लगा हो देन प्लीज़ लाइक और शेयर जरूर करना। मैं मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में। बाय।